सो ऐसा तो तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा, जैसे कि तुम माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, तुम वुड कलेक्ट कर रहे हो एंड तुम्हें माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग में ही एक विलेज दिख जाता है जिसको तुम देख के बहुत ही खुश हो जाते हो कि भाई आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तुम्हें जैसे ही विलेज में पहुंचते हो तुम्हें पता चलता है वो विलेज डेड हो चुका है और तुम्हारी सारी उम्मीद माइनक्राफ्ट कम्प्लीट करने की एकदम से नीचे पहुंच जाती है और तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मैं भी एक विलेज में गया जो कि डेड था, लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि मैं इस विलेज को ऐसे नहीं छोड़ने वाला, आई वॉज गोना ब्रिंग अ डेड विलेज बैक टू लाइफ, और वो उसमें बहुत मजा आने वाला था। लेट्स बिगिन विद पार्ट वन। तो पार्ट वन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ के सारे कॉग वेब्स क्लियर कर दिए एंड क्लियर करने के बाद अब विलेज ज्यादा क्लियर लग रहा है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो और इजी पड़ेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं पार्ट टू की ओर। पार्ट टू की बिगनिंग में हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर सा सनराइज दिखता है जो हमें बता रहा होता है कि इस विलेज में अब लाइफ का सनराइज जरूर होगा, जो कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और इसी के साथ हम लोग पार्ट टू को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग अपने विलेज को जो कि डैमेज्ड है उसको ठीक करने वाले हैं, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसमें सारे डैमेज्ड पार्ट्स को ठीक करने वाले हैं और जितने भी रूफ्स थी जिनमें टूटे फूटे पार्ट्स थे मैंने उन्हें दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, सारे स्टेयर्स लगा दी, सारे स्टोन्स लगा दिए एंड जहाँ जहाँ मेरे को जगह है मिली मैं उन सब जगहों पर स्टोन एंड स्टेयर्स लगाता गया, जिसके बाद वो विलेज था बहुत ही क्लियर हो गया। बीच में एक रेन आई लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रेन तो बहुत जल्दी चली गई एंड दोबारा से एक और जो है सनराइज हुआ जिसने हमें दोबारा से कॉन्फिडेंस दिया मूव करने के लिए पार्ट थ्री की ओर। तो फिलहाल के लिए हम लोग पार्ट थ्री में क्या करने वाले थे, हम लोग माइनक्राफ्ट की जो रूफ्स थी उनको ज्यादा क्लीन एंड क्लियर कट वाला बनाने वाले थे, हम लोग रूफ को थोड़ा डायनेमिक और ब्यूटीफुल बनाने वाले थे जिससे कि वो विलेज में थोड़ी सी और लाइफ डाले और डायनेमिक विलेज बनाए, जिसके बाद हम लोगों ने कुछ घरों में जो है स्टोन्स तोड़ दिए और उनको ढंग से मतलब एडिट कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब स्ट्रक्चर्स बन रखे थे इस विलेज में। तो उनको एडिट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो फार्म्स थे जिनमें एनिमल्स थे, कोई एनिमल था नहीं तो उन्हें क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद एक रात आई, वो रात जो कि हमें कहानी बता रही थी कि कैसे इस विलेज में डेथ शुरू हुई, कैसे इस विलेज की डेथ आई, वो ठंडी रात आई। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जाके सो अगेन देयर वाज अ सनराइज एंड अगेन हम लोगों को और कॉन्फिडेंस मिल गया हमारे माइनक्राफ्ट विलेज में लाइफ लाने के लिए। और इसी के साथ हमारी जो सारी रूफ थी उनको हम लोगों ने ब्यूटीफुल बना दिया था इसमें। इसके बाद हमारे विलेज में थोड़ी सी डेंसिटी आ गई थी, थोड़ा सा लग रहा था कि अब विलेज में थोड़ी सी लाइफ वापस आ रही है और ये विलेज और ज़्यादा क्लियर एंड क्लीन लगने लगा था। और इसी के साथ अब हम लोग बढ़ने वाले थे अपने पार्ट फोर की ओर। सो पार्ट फोर में हमारा काम था कि हम लोग यहाँ पर विलेज को और ज़्यादा क्लीन बनाने वाले थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो कुछ स्ट्रक्चर्स हटाए, कुछ हे बेल्स हटाए और उनके लैंड्स को ठीक से फिल कर दिया। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको जो भी कहते हैं इसके एरिया को फिल कर दिया। उसके अलावा हम लोगों ने जो यहाँ पर हमारे विलेज में थी वो जो पहाड़ियाँ थी अजीब अजीब टाइप की उनको ठीक कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी। उसके अलावा हमने पूरे विलेज में जहाँ पर मुझे फार्म दिख रहे थे उन सबको मैं क्लियर कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फार्म बनाने वाला था और जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उनको ठीक करने के लिए मैंने पूरा नेचुरल बनाने का ट्राई किया अपने विलेज को एंड मैंने विलेज को और ज़्यादा क्लियर कर दिया। एंड अब इन घरों में चिमनियाँ लगा के लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट फाइव द फार्म। अब जैसा कि मैंने कहा मैंने फार्म हटा तो दिए थे लेकिन मुझे दोबारा से एक फार्म बिल्ड करना था एंड अब ये बहुत ही बड़ा फार्म होने वाला था, सारे फार्म से भी बड़ा, इतना बड़ा फार्म होने वाला था शायद किसी ने आज तक विलेज ट्रांसफॉर्मेशन में जितना बड़ा फार्म नहीं बनाया होगा। बहुत ही बड़ा फार्म था और बहुत ही एरिया को घेर रहा था जिसकी वजह से हमारे विलेज में और ज़्यादा डेंसिटी आ रही थी। इस फार्म को बनाने में काफ़ी ज़्यादा देर भी लगी, मैंने काफ़ी वो लगाई जो कि बाउंड्रीज पर लगाई ताकि फार्म हमारा अलग से दिखे पूरे विलेज में। उसके अलावा इस एरिया को फिल करने में तो भाई बहुत बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा लेकिन कोई नहीं तुम्हारे लिए तो बनता है। एंड उसके अलावा मैंने इस फार्म को जितना भी मतलब पूरे एरिया में मैं वीड लगाने वाला था क्योंकि मुझे और कोई क्रॉप पसंद नहीं है एंड वो क्रॉप ज़्यादा डायनेमिक भी नहीं लगते जितना वीड हमारे फार्म को डेंसिटी देता, तो मैंने पूरे फार्म में वीड लगा दिया एंड उसके बाद धीरे धीरे उन वीड्स को ग्रो होने दिया जो कि थोड़ी देर बाद ग्रो हो गए एंड उसके बाद हमारा जो फार्म था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा। उसके अलावा मैंने फार्म की जो एंट्री थी उसको थोड़ा ठीक कर दिया एंड उसके आसपास के पाथवेज को भी ठीक कर दिया। एंड इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट सिक्स द पाथवेज। अब हमारे घरों के आसपास जो रोड्स थी वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसके अलावा यहाँ पर जो स्टॉप्स थे ये चार टाइप के, इन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छा स्टॉप बनाने वाला था एंड मैंने सारे पाथ्स जो थे उन सबको एकदम क्लियर कर दिया, जहाँ पर भी घास थी उन सबको ठीक कर दिया एंड 3x3 के भी मैंने पाथ्स रखे, ज़्यादा डायनेमिक नहीं बनाए क्योंकि वही थोड़े से नेचुरल भी लगते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ एरियाज को फिल कर दिया एंड जहाँ जहाँ पाथ्स की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पर मैंने पाथ्स बना दिए और उन सबको कनेक्ट भी कर दिया, कुछ गलियाँ निकाल दी। उसके अलावा मैंने बीच में एक
TNT लगा के थोड़े से दागे, जिसकी वजह से मुझे एक पुल बनाना था, उसका स्ट्रक्चर भी मिल गया इसी वे में। एंड उसके आसपास भी मैंने सारे फार्म जोड़ दिए। उसके बाद एक पार्ट ऐसा आया जहाँ पर मतलब लिटरली हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पाथवेज को कंप्लीट करने में, क्योंकि वहाँ से स्ट्रक्चर जो था वो नीचे था, सीधा एकदम स्टीप हिल थी एंड साइड में एक होम था, जिसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल भी बन नहीं रहा था एरिया जहाँ से हम लोग एक स्टेप वे निकाल सकते। लेकिन मैंने बहुत ही ट्राई किया, मैंने हर जगह को क्लियर किया, मैं जितना नेचुरल रखना चाहता था उतना ही रख रहा था, मैं कहीं पर भी पूरी पूरी एरिया हटा के क्लियर नहीं करना चाहता था, जितना नेचुरल था मैं चाहता था, लेकिन वो बन ही नहीं रहा था, उसमें बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि साइड में घर पड़ रहा था। तो मैंने उस एरिया को पूरा क्लियर कर दिया एंड उसके बाद वहां पर मैंने पूरी एक नई शुरुआत की, जिसके बाद हम लोगों को एक अच्छी सी हिल मिल गई एंड उसके बाद मैंने वहां पर पूरी तरीके से लैडर बना दिया एंड वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। उसके बाद हमारे जो पाथवेज थे उनका एंड रिजल्ट ऐसा करके दिख रहा था, यहाँ पर एक जो पाथ है वो पूरा रिवर की ओर गया है, जहाँ पर अगर किसी को जाना हो वो जाए एंड कुछ पाथ हमारे जो है पुल की ओर कनेक्टेड है, एक पाथ हमारा जो है वीट फार्म की ओर भी कनेक्टेड है एंड सारे घरों के आसपास से मैंने गलियां निकाल दी थी ताकि जितना ईजी रहे विलेजर्स को फार्म पे ट्रेवल करना उतना ही ईजी रहना चाहिए। एंड इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 7 द स्टॉप। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है हम लोगों ने पाथवेज के चौराहे के आसपास एक स्टॉप तो हटाए थे, लेकिन अब उसका समय आ गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का अपने वे में। तो मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा आइडिया तो था नहीं और मैं कुछ बिल्डिंग में अच्छा भी नहीं हूँ माइनक्राफ्ट में, तभी ये मेरा फर्स्ट ट्राई था किसी ऐसी बिल्ड को बनाना जो कि मैं पूरी तरीके से खुद से बनाने वाला था। थोड़ी मेरे को देर लगी सोचने में, तो मैंने शुरुआत की बैठने वाली प्लेसेस बनाने से जहाँ पर जो भी इंसान आए वहाँ पर बैठ पाए एंड मैंने फेंसेस का इस्तेमाल किया बाउंड्री के रूप में, जो कि और ज़्यादा एक हट का टाइप दे रही थी मतलब उसको। उसके बाद मैंने उन फेंसेस को ऊपर ला दिया, उन पे स्लैब्स लगा दिए ताकि वो और ज़्यादा सही लगे एंड वहाँ पर अब रूफ का समय था तो मैंने स्लैब्स एंड उसके बाद कुछ ट्रैप डोर लगा के हमारी रूफ काफ़ी सुंदर बनी एंड उसके बाद मैंने उसमें कुछ रेड स्टोन जो था रेड स्टोन की टॉर्चेस थी उनको ऐड कर दिया। उसके अलावा मैंने सोचा कारपेट ऐड करूँ लेकिन मैंने ऐड नहीं किया एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रेड स्टोन लाइट्स लगा दी एंड ये था हमारा एंड रिजल्ट हमारे स्टॉप का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था एंड आई वॉज लविंग इट, क्योंकि मैंने पहली बार कोई ऐसी बिल्ड बनाने का ट्राई किया था एंड मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन इसी के साथ अब लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 8 द पूल। अब इसमें हमारे को जो पूल बनाना था जिसका मैंने TNT लगा के थोड़ा सा लैंड क्लियर किया था, वहाँ पर मैंने जो पूल है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके नीचे मैंने काफ़ी फिशेस छोड़ी एंड काफ़ी बोन मील इस्तेमाल करके वहाँ पर कोरल्स जोड़ दिए ताकि वो ब्यूटी लगे, और उसके अलावा मैंने वहाँ पर सी पिकल्स के इस्तेमाल से थोड़े बहुत लाइटनिंग भी दे दी। मैं जितनी चाहता था जितनी ज़्यादा फिशेस रहे उतना सही लगे। मैंने एक्सोलॉट डाले लेकिन वो फट रहते हैं एंड गेस वॉट, यहाँ पर हम लोगों को कुछ लोग देखने आए हमारे विलेज को लेकिन वो लोग फिर एक थिएटर को मारने लगा। सो मैंने सोचा कि चलो इनका अंत कर दिया जाए, तो फिर उनका अंत करने के बाद मैं फिर से अपने कंस्ट्रक्शन में लग गया। मैंने स्मूथ स्टोन के जो स्लैब्स थे उनको पूरा साइड में लगा दिया, जिसके बाद हमारे पूल में और ज़्यादा डायनेमिक फील आ रहा था और ज़्यादा डेंसिटी मिल रही थी। फिर मैंने वहाँ पर एक छोटी सी बैठने की जगह भी बना दी। अब मेरे को बिल्डिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया था हमारी फर्स्ट बिल्ड के बाद जो कि स्टॉप थी। उसके बाद टाइम था लाइटनिंग का, जिसके पूल के पास आसपास मैंने एक छोटी सी लाइट का स्टैम्प ऐसा बना दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। फिर मैंने कुछ चेन के इस्तेमाल करके साइड में जो है लैंटर्न्स लगा दी, जिसकी वजह से हमारा पूल के आसपास काफ़ी ज़्यादा लाइट आ गई और हमारा पूल काफ़ी सही लग रहा था। फिर वहाँ पर कुछ फिशेस नीचे अटक रही थी तो मैंने उन सबको बाहर निकाल के वहाँ पर स्मूथ स्टोन लगा दिया एंड कुछ वुड भी लगा दी एंड काफ़ी फिशेस अटक रही थी, तभी काफ़ी फिशेस कम हो गई थी तो मैंने उन्हें फिर से बढ़ा दिया। एंड उसके अलावा अब समय आ चुका था कि अब हम लोग तो फिर से आगे बढ़ते एंड हम लोग अब इस लाइट के साथ बढ़ते हैं पार्ट 9 की ओर, जो कि है द लाइट। सो लाइटनिंग पार्ट मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन वो कहीं ना कहीं चला गया, डिलीट हो गया शायद गलती से, लेकिन यहाँ पर जो है उसका एंड रिजल्ट पड़ा हुआ है। मैंने सारी जगहों पर जैसे ही मैंने पूल के आसपास लाइटनिंग लगाई थी वैसे ही लगा दी। उसके अलावा मैंने फार्म के जो वुड एरियाज थे वहाँ पर लैंटर्न्स रख दिए एंड अंदर भी कुछ लैंटर्न्स छुपा दिए, जिसकी वजह से फार्म में भी लाइटनिंग आ गई एंड हमारा फार्म बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसका मैंने उसमें एंड रिजल्ट नहीं दिखाया। तो जैसा कि मैंने कहा था वीट ग्रो हो चुका था एंड उसका वेविंग फील हमारे फार्म को बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी दे रहा था। उसके अलावा हमारे फार्म को मैंने देखते हुए एक रात गुजार दी एंड जैसे ही वो रात गुजरी देन अगेन
डे हो गया जिस जेंट में तुम्हें क्लियरली दिखा पाता कि हमारी जो लाइटनिंग थी वो कितनी सही लग रही थी। तो कि जो यहाँ पर लाइट्स थी वो पूरे विलेज की रोड्स पर लगी हुई थी साइड में, जिसकी वजह से वो विलेज को बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी दे रही थी एंड बहुत ज़्यादा रात में हमारा विलेज जो है लाइटनिंग की वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस एंड रिजल्ट के साथ हमारे विलेज में लाइफ वापस आनी चालू हो गई थी। बट लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 10 जो कि है द एनिमल्स। अब हमारे विलेज में हम लोगों ने पहले एनिमल्स हटा दिए थे, एनिमल फार्म्स, तो अब टाइम आ गया था कि उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने का। तो मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा बड़ा ब्लूप्रिंट नहीं था, लेकिन जैसा था मैंने उसको छोटा सा एनिमल फार्म बना दिया। यहाँ पर मैंने कुछ रूम लाइट का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी लाइटनिंग आ जाए। उसके अलावा मैंने वही नॉर्मल वाली लाइटनिंग जो कि मैंने बाद भेज पे लगाई थी उनका इस्तेमाल कर लिया। एंड गेस व्हाट, मैं जब बना रहा था तब मुझे ये एक बहुत ही रियलिटी जैसी चीज़ दिखी। यहाँ पर एक पिक के ऊपर छोटा सा ज़ॉम्बी का बच्चा बैठा है, काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसे मारा नहीं एंड छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस एरिया में कुछ एनिमल्स भरूँ, तो मैं सोच रहा था मैं कौन से एनिमल्स लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी एनिमल्स को नहीं लगाते हैं। फिर मैंने वहाँ पर एक छोटी सी गली भी निकाल दी जो कि यहाँ से मैंने निकाल दी, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा और पाथवेज में डेंसिटी आ गई। एंड अब इसमें समय आ गया था एनिमल्स ऐड करने का, तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं शीप एंड पिग ऐड करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा लेट्स ऐड शीप एंड देन काउस भी। पिग्स के लिए फार्म अच्छा नहीं लगता, पिग्स के लिए हम लोग अलग से कुछ बनाने वाले थे, तो यहाँ पर हमारे जो शीप एंड काउस थे उनको मैंने ऐड कर दिया। एंड वो पता नहीं क्यों एक जगह पे स्टक हो जाते हैं सारे झुंड वाले आके, तो बहुत अजीब लग रहा था। मैं चाहता था वो सब पूरे फार्म में घूमें लेकिन वो घूम नहीं रहते, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा जो एनिमल वाला पार्ट है वो एंड हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा और लंबा बनाया जाए। एंड फिर मैंने सोचा क्यों पिग्स के साथ नाइंसाफी ना करते हुए हम लोग पिग्स के लिए भी एक नई एरिया बना दें, और वो होने वाली थी द पिग बान, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ जैसा रहता है ना, मतलब जहाँ पिग्स रहते हैं। तो मैंने उसका कुछ ब्लूप्रिंट सोचा था जो कि माइनक्राफ्ट में एग्जीक्यूट थोड़ा करना कठिन था, लेकिन मैंने यहाँ पर उसका ब्लूप्रिंट ऐसा बनाया। अब इसको मैं एक गड्ढे के रूप में रखने वाला था, तो मैंने यहाँ पर सारी जगह पे पॉट्सॉल इस्तेमाल कर लिया। एंड उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत ग्रास, थोड़ी बहुत ब्राउन वुड, थोड़े बहुत स्टोन, कोबल स्टोन एंड ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल करके मैंने उस एरिया को थोड़ा सा और डार्क बनाया। एंड वहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर भी लगा दिया। एंड उसके बाद हमारा जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था पिग बान। यहाँ पर फ्रूट ट्रीज भी लगा दी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एंड ब्लैक स्टोन के इस्तेमाल से मैंने यहाँ पर एक एंट्री और एक एग्जिट बना दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाथवेज भी कनेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे विलेज में और ज़्यादा डेंसिटी आ रही थी। जैसे जैसे पाथवेज बढ़ते जा रहे थे और ज़्यादा डेंसिटी आ रही थी हमारे विलेज में। और ये सच्ची में ये पिग बान तो उस फार्म से भी अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस इसको निहारे ही जा रहा था, लेकिन इसको निहारना हमारा काम नहीं था। तो हमारे विलेज में सारा काम कंप्लीट हो गया था, हमने सारे स्ट्रक्चर्स ऐड कर दिए थे, एनिमल फार्म, पीट फार्म, पिग का बांध, पूल, रिवर, पाथवेज और घरों को भी ठीक कर दिया था। एंड दिस वाज टाइम टू मूव ऑन टू द एंड लाइफ। तो हमारे विलेज में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐड किया, हमारे विलेज में सारे स्ट्रक्चर्स थे, सब कुछ था। हमारे विलेज में एक बड़ा सा फार्म था, हमारे विलेज में एक पूल था, शिप का बांध था, पिक का बांध था, रिवर थे, पाथवेज थे, लेकिन हमारे विलेज में अभी भी एक कमी खल रही थी, और वो बहुत ही बड़ी कमी थी। हमारे विलेज में पूल तो था, लेकिन उस पूल को देखने के लिए कोई था ही नहीं। हमारे पूल को निहारने के लिए, हमारे पूल के आसपास घूमने के लिए, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए कोई था ही नहीं। हमारे पास फार्म्स तो थे, लेकिन उन फार्म्स में कोई हार्वेस्टर था ही नहीं, कोई फार्मर था ही नहीं, कोई उन फार्म्स को मैनेज करने के लिए तो था ही नहीं। स्टॉप तो था, लेकिन उस स्टॉप में बैठने के लिए तो कोई था ही नहीं, उस स्टॉप की ब्यूटी को देखने के लिए तो कोई था ही नहीं, वहां वेट करने के लिए कोई था ही नहीं। घर तो थे, लेकिन उनमें रहने के लिए कोई था ही नहीं, घर एम्प्टी पड़े हुए थे, उनमें रहने वाला कोई था ही नहीं। पाथवेज तो थे, लेकिन उनमें कोई बैठने वाला, चलने वाला नहीं था। हमारे पास पिग का बांध तो था, लेकिन उसको कोई देखने के लिए तो था ही नहीं। जो रिवर थी उसमें कोई तैरने के लिए, कोई फिशिंग करने के लिए तो था ही नहीं। एनिमल फार्म में एनिमल्स तो थे, लेकिन उन एनिमल्स को पेट करने वाला आखिर कहाँ था, आखिर कौन था जो इन एनिमल्स को पेट करता। लेकिन अब मुझे समय आ चुका था कि मैं जो इतनी देर से इस विलेज में करना चाहता था, जो कि मेरा गोल था, वो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। हमारा विलेज कभी अलाइव था ही नहीं। एंड देन आई गॉट टू नो दैट वंस अ सोसाइटी इज डेड, नो वन कैन
ब्रिंग बैक लाइफ इनटू इट।